नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी नारायण परिवार में आप सभी का स्वागत है। गिरिराज जी महाराज, हर व्यक्ति जीवन में एक बार गिरिराज जी महाराज के दर्शन जरूर करना चाहता है। ईश्वर उनकी इच्छा को पूरा करें। इस वीडियो में हम सुनेंगे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा से जुड़ी एक कथा और जानेंगे गिरिराज जी की महिमा के बारे में। कथा शुरू करते हैं। गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके गोकुल की रक्षा की थी। गोवर्धन का स्पर्श हो जाना भी सौभाग्य की बात है। आज आप गोवर्धन की महिमा की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। क्यों गिरिराज जी का पत्थर लोग अपने घर में सहेज कर रखते हैं? अपने जीवन काल में हर श्री कृष्ण भक्त को एक बार गोवर्धन जाकर उनका स्पर्श तो कर ही लेना चाहिए। गर्ग संहिता की ये कथा स्वयं नारद जी ने सुनाई थी। राजा बहुलाशु ने सेवा करके नारद जी को बहुत प्रसन्न कर लिया। वे नारद जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। नारद जी ने बहुलाशु को बताया कि वे वर्ष में एक बार गोवर्धन जी को प्रणाम करने अवश्य जाते हैं। बहुलाशु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, ऐसी क्या खास बात है गोवर्धन जी में? मुझे गोवर्धन जी के महामात्य कथा सुनने की इच्छा हो रही है, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। नारद जी बोले, गोदमी गंगा यानी गोदावरी नदी के तट पर बसने वाला ब्राह्मण विजय का कुछ कर्ज मथुरा में बकाया था। वहां वसूलने वह आया हुआ था। दिन में उसने वसूली और शाम होने से पहले ही अपने रास्ते चल पड़ा। गोवर्धन गिरिराज जी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा। चूंकि विजय के हाथ एक लाठी के सिवा कोई हथियार तो था नहीं, तो उसे चोरों का डर महसूस हुआ। उसने गिरिराज जी के पास से एक गोल चिकना पत्थर उठाकर साथ रख लिया। डर भगाने के लिए वह हरे कृष्ण भजता जंगल के बीच से ब्रज मंडल को पार कर गया। पर थोड़ा आगे बढ़ा ही होगा कि उसने एक तीन पैरों वाले राक्षस को सामने खड़े पाया। राक्षस का मुंह उसकी छाती पर था। एक बांस लंबी उसकी जीभ लपलपा रही थी और वह उसे निकलने को तैयार था। भूखा राक्षस विजय की ओर लपका। विजय को कुछ न सूझा तो उसने अपनी रक्षा के लिए वही पत्थर राक्षस को दे मारा जो उसने कुछ समय पूर्व ही गिरिराज जी से उठाया था। विजय को यकीन था कि इतने विशाल राक्षस का इस छोटे से पत्थर से कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, इसलिए पत्थर चलाने के बाद उसने डर से, घबराहट से आँखें मूंद ली। विजय की आंखें खुली तो उसने देखा कि राक्षस का तो कहीं अता पता ही नहीं है। उसके सामने तो साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अचरज की बात है कि भगवान विजय की ओर हाथ जोड़े खड़े थे। जब तक विजय के मुंह से कुछ निकलता, उस वंशीधारी स्वरूप ने विजय से कहा, आप धन्य हैं जो मुझे इस राक्षस योनि से छुटकारा दिला दिया। विजय ने सोचा, यह क्या आश्चर्य है, वंशीधर मुझसे ये क्या कह रहे हैं, मैंने उनका उद्धार कर दिया, यह कौन सी माया है। वह चकित होकर उसे देखने लगा। उद्धार गति से गुजरे राक्षस ने बताना शुरू किया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, इस पत्थर के मेरे शरीर से छू जाने भर से सिर्फ मेरा उद्धार ही नहीं हुआ, बल्कि मैंने श्री कृष्ण का स्वरूप भी प्राप्त कर लिया। मैं उनके जैसा हो गया। यह सब आपके द्वारा मुझ पर चलाए गए इस पत्थर की महिमा है। इस छोटे से पत्थर के प्रहार से ही मेरे अंदर के श्राप का संहार हो गया। आप मेरे उद्धार के माध्यम बने, आपको बारंबार नमस्कार है। विजय बोला, यह क्या बात कर रहे हैं आप, मुझ में उद्धार की ताकत कहाँ? यदि यह चमत्कार इस पत्थर की महिमा से हुआ है तो वह भी मैं नहीं जानता। आप ही मुझे इस पत्थर की महिमा बताकर कृतार्थ करें। ब्राह्मण विजय की बात पर वह कृष्ण जैसा दिखने वाला वंशीधारी बोला, गिरिराज जैसा तीर्थ न पहले कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। केदार तीर्थ में 5,000 साल तप करने से जो पुण्य मिलता है, गोवर्धन पर क्षण भर में मिल जाता है। महेंद्र पर्वत पर अश्वमेध करके मनुष्य स्वर्ग का अधिपति बन सकता है, जबकि यहीं गिरिराज जी पर करने से वह स्वर्ग के मस्तक पर पैर रखकर सीधे विष्णु लोक चले जाता है। गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान करने से मनुष्य श्री कृष्ण जैसा दिव्य हो जाता है। उसने विजय को गिरिराज जी की ऐसी 1,000 महिमा बताई जो आश्चर्य में डालने वाली थी।
विजय ने पूछा, तुम दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, पर तुम भगवान कृष्ण तो हो नहीं, तुम हो कौन? उसने अपनी कथा भी बतानी शुरू की। हे पुण्य आत्मा ब्राह्मण, मेरी यह कथा कई जन्म पूर्व से शुरू होती है। आपने मेरा उद्धार किया है, अतः मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। कई जन्म पूर्व मैं एक धनी वैश्य था। मैंने व्यापार कर्म करके अतः धन जमा किया। मैं नगर का सबसे बड़ा धनिक हो गया, पर धन होने से मुझमें एक बुराई आ गई। मुझे जुए की लत लग गई। जुआ खेलने की पूरी टोली में मैं सबसे चतुर जुआरी था। मुझे कोई हरा नहीं पाता था। इसी बीच मुझे एक वेश्या से प्रेम हो गया, तो शराब पीकर धुत रहने लगा। माँ बाप पत्नी सब ने मुझे बहुत धुतकारा। वे मेरा निरंतर अपमान कर देते थे। क्रोध में भरकर मैंने उनकी हत्या करने की सोची और एक दिन अवसर देखकर माता पिता को विष दे दिया। अपने माता पिता को मार डालने के बाद मैंने अपनी पत्नी को लिया और उसे कहीं और चलकर बस जाने के लिए फुसला लिया। वह मान गई तो उसे लेकर मैं चला। रास्ते में मैंने पत्नी की भी हत्या कर दी। अब ना तो कोई दुत्कारने वाला था और ना ही धन व्यय करने पर रोक टोक वाला था। धन तथा अपनी प्रेषी वेश्या को लेकर मैं दक्षिण देश चला गया। एक समय बाद मेरा धन समाप्त हो गया। धन के अपव्यय की लत थी, इसलिए धन की बहुत आवश्यकता हुई, तो वहां मैं लूटपाट करने लगा। कुछ समय बाद मेरा मन उस वेश्या से भी भर गया, तो मैंने उससे भी छुटकारा पाने की सोची। एक दिन उसे भी अंधे कुएं में ढकेल आया। उसके बाद मैं लूटपाट करता रहा। लूटपाट के लिए मैंने सैकड़ों हत्याएं की। एक दिन वन में एक सांप पर पैर पड़ गया, उसने मुझे डस लिया तो मेरी तुरंत मृत्यु हो गई। 84 लाख नरकों में मैंने एक एक साल यातना सही, फिर 10 बार सुअर बन के जन्मा। उसके बाद 100-100 साल तक ऊंट, शेर, भैंसा और 1000 साल सांप हुआ। फिर राक्षस हुआ। राक्षस बनने के बाद एक दिन एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके मैं ब्रजभूमि में घुस आया। वहाँ वृंदावन में यमुना तट पर भगवान कृष्ण के पार्षद मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझे पकड़कर खूब पीटा और इस क्षेत्र से दूर रहने को कहा। किसी तरह बचकर व्रज क्षेत्र से बाहर आया, पर तब से आज तक बहुत दिनों से भूखा था। आज तुम्हें देखा तो लगा भूख शांत होगी। तुम्हें खाने ही जा रहा था कि इसी बीच तुमने मुझे गिरिराज जी के उस पत्थर से मारा। गिरिराज जी का कण कण पवित्र है। उस पत्थर के लगते ही साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा मुझ पर हुई और मेरा तत्काल उद्धार हो गया। वह अपनी कथा सुना ही रहा था कि तभी एक रथ गोलोक से धरती पर उतरा। ब्राह्मण विजय और सिद्ध दोनों ने उस रथ को नमस्कार किया। सिद्ध को उस रथ में बिठा लिया गया और रथ श्री कृष्ण के धाम की ओर चल पड़ा। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे बहुलाश्व, वह सिद्ध तो श्री कृष्ण धाम को चला गया, ब्राह्मण भी गिरिराज की महिमा जान गया था, उसने भी गिरिराज जी की परिक्रमा की, फिर सभी गिरिराज देवताओं के दर्शन किए और घर को लौट गया। तो दोस्तों, ये कहानी जिसका श्रवण आज हमने किया है, ये गर्ग संहिता की एक कथा है। आशा करती हूँ सभी को कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरह से और कथाओं को सुनने के लिए लक्ष्मी नारायण परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। जय श्री हरि दोस्तों।